तो हमारे एक जामानी संत हुए हैं रेदास जी धेतरवाड़ गोत्र के थे, सुख जी थर गोत्र धेतरवाड़ गोत्र के संत हुए। उन्होंने एक साखी लिखी, एक अर्जस लिखा हुआ है, साहित्य में उनका आता है। एक साखी लिखी हुई है उनकी, पहले पैरे रेण का बण जारी आते, जन्म लियो संसार वे, वाचा चूक्यो आपणी बिण जारी आ, तेरी बालक बुद्धि गंवार वे, बालक बुद्धि गंवार वे, नहीं चेत्यो भूल्यो माया जाल वे, अब पीछे क्या हो पछताओ, जड़ पहले नहीं बांधी पाल वे, 20 बरस को भयो अभाणो, थम्बन सक्यो भार वे, जन रविदास कहे बिण जारी आते, जन्म लियो संसार वे, बिण जारी आते। बिण जारी की साखी रविदास जी की लिखी हुई है। इन्होंने जीवन को एक चार पहरों की भांति बताया है कि जैसे रात की चार पहर होती है, ऐसे इस जीवन की भी चार अवस्थाएं एक रात की भांति पूरा जीवन चला जाता है। पहला पहर बालपने में खेलने कूदने में युवान बनने में बिता देता है, और दूसरी पहर दूजे पहरे ऋण का बिण जारिया तू निरखत चालियो छाए वे, अपनी पराई गिणी निकाई बांधी अमल कमाण वे, साहिब तेरो लेखो लेसी तू छड़ देसी भीड़ पड़े तो ताए वे, जन रविदास कहे बिण जारा तू निरखत चालियो छाए वे, बिण जारिया। दूसरी जो जीवन की पहर है वो जवानी में मगरूर में अपने रूप सौंदर्य और यौवन को दिखाने में बिता दिया। फिर तीसरी पहर आती है, तीजे पहरे रेण का बिण जारिया तेरा ढीला पड़ गया प्राण वे, अब शरीर में वो बात नहीं रही जो पहले थी, होचे कि भाई आले की थकान आवन लागी, थकान तो आनी शुरू हुई है, धीरे धीरे थकना ही पड़ेगा, लेकिन आदमी मानता नहीं है। काया इवाणी क्या करे बिण जारिया, गढ़ भीतर बसे अजान वे, बसे अजान काया गढ़ भीतर अहल्यो जलम गमाए वे, अब की बेड़ा सुकृत नहीं करियो बहुड़ी ने ये तन पाए वे, छीनी देह काया कुमलाणी टूटन लागा ताण वे, जन रविदास कहे बिण जारा ते जन्म लियो संसार वे, बिण जारिया। रविदास जी कहते हैं तूने संसार में जो है आने के बाद में आधा जीवन गंवा दिया, अभी तक संसार का ही अंदर रमा हुआ है, भगवान को अंदर आने के लिए जगह ही नहीं दी, अंदर से पूरा जो है संसार से भरा हुआ है, तो भगवान को रखने के लिए थोड़ी बहुत जगह ही नहीं छोड़ी, पहले संसार को बाहर निकालना पड़ेगा। कोई बोतल हो उसमें कह दे कि इसमें खारा पानी है मीठा पानी भर दो, तो खारा पानी पहले खाली करना पड़ेगा ना, तभी तो उसमें मीठा आएगा। हमने तो खारे पानी से भर के ऊपर जोरदार ढक्कन लगा रखा अभिमान का, और बाद में गोगलो ही ने भर दो, तो भिगो भले ही दो लेकिन भरने के लिए तो खाली करनी पड़ेगी ना। तो हम भीग तो जाते हैं कई बार लेकिन भरते नहीं है, भरने के लिए खुद को खाली होना जरूरी है, और खाली अंदर वाली चीजें जो है उनको बाहर निकालनी पड़ेगी, बाहर निकालेंगे तब जो है भगवान के रहने के लिए भक्ति के रहने के लिए अंदर स्थान मिलेगा। चौथे पहरे ऋण का बिण जारिया तेरी थर थर कांपी दे वे, आयो बुलावो श्याम को बिण जारिया, अब छोड़ पुरानी थे वे, छोड़ पुरानी भयो अभाणो, बाड़द लाद सवेरिया, जमड़ा आया पकड़ मंगाया बारी पूगी तेरिया, चलियो अकेलो पंथ दुहेलो कांसो करे सने वे, जन रविदास कहे बण जारा तेरी थर थर कांपी दे वे, बिण जारिया। चौथी अवस्था थर थर शरीर कांप रहा है, आयो बुलावो श्याम को बिण जारिया, अब छोड़ पुरानी थे वे, अब पुरानी थे को छोड़ और चल, आगे चलना तेरे को तैयारी कर, तो के महाराज तैयारी करूं थोड़ो खागे कपड़ा लता घात लू आगू रेवणो है, नहीं कपड़े बाड़द कैसी लेनी है, बाड़द लाद सवेरिया, बाड़द कर्मों की लादनी पड़ेगी, अच्छे और भले नेकी बदी दो साथ चाले, अंत लेखो लीज सी तिरे भगत अभेद डूबे, पाप पुण्य दोए पावसी, सात सुकृत तिरे दुस्तर कपट जुल्म करावसी, उस समय जो सुकृत किए हुए वो तेरे साथ में चलेंगे, और कपट जो किया है उसका जुल्म तेरे को सहना पड़ेगा। हंस हंस बांधे जीवड़ा रोई रोई भरणो, कीवड़ी कमाई आडी आवे लोभी जीवड़ला, जो आज कर्म हंस हंस के कर रहा है, दूसरों को सता रहा है पर पीड़ा दे रहा है, वो एक दिन रो रो करके तुझे भरने पड़ेंगे। और कर्म का फल जो है ये सबको भोगना पड़ता है, कर्म गति न्यारी है, इसको कोई टाल नहीं सकता,
जो कर्म किए हैं उनका फल खुद को ही भोगना है, कोई और नहीं भोगेगा। पुण्य करोगे तो पुण्य का फल मिलेगा, पाप करोगे तो पाप का फल भी खुद को भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पुण्य का फल हमें मिल जाए और पाप किसी और को दे देंगे, कोई नहीं लेगा, सब आपको ही लेना पड़ेगा। और हम मालिक तो बन जाते हैं, अच्छा काम होता है वो तो मैंने किया, और भूंड दूसरों को देते हैं कि ये मैंने तो नहीं किया, किसी और नहीं किया होगा। लेकिन उस परमात्मा के यहां ऐसी नहीं चलेगी, वहां सबका लेखा जोखा हो जाएगा, वहां सबका हिसाब किताब अलग अलग है, सबके खाते ऑनलाइन है, रोज उसमें ऐड हो रहे हैं कर्म। इसलिए कर्म करते समय ये बात जरूर सोच लेना कि जो मैं कर रहा हूं ये वापिस तेरे पास ना आएगा, वापिस तेरे को ही भोगना है। इसलिए कर्म अच्छे करो, अच्छी करनी करियो भाई, कर्मन करियो काड़ा, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, और उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता, मेरे मालिक की दुकान में सब जीवों का खाता, उन परमात्मा की दुकान में आपनों सबको खातो है, और सबके खाते में सबका हिसाब लिखा हुआ है कर्मों का। तो ये रविदास जी जो है ये मीरा के गुरु है, मीरा के समकालिक है, लेकिन ये प्रकाश में नहीं आए, प्रकाश में नहीं आए, तब जो ज्यादा प्रकाश में थे उनको स्वीकार कर लिया गया।